नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Apple iPhone 12 वर्सेस Huawei P40 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो iPhone 12 में 5.78 इंच जबकि Huawei P40 में 5.86 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो iPhone 12 में 2.81 इंच जबकि Huawei P40 में 2.8 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि iPhone 12 से कम है। बात करें थिकनेस की तो iPhone 12 में 0.29 इंच जबकि Huawei P40 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि iPhone 12 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो iPhone 12 में 162 ग्राम्स जबकि Huawei P40 में 175 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि iPhone 12 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 19:5:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.1 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन iPhone 12 में 1170x2532 और Huawei P40 में 1080x2340 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो iPhone 12 में 86.89% जबकि Huawei P40 में 86.21% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो iPhone 12 में 457 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Huawei P40 में 422 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो iPhone 12 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Huawei P40 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो iPhone 12 में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Huawei P40 की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो iPhone 12 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Huawei P40 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो iPhone 12 में Apple GPU 4 Core Graphics जबकि Huawei P40 में Mali G76MP16 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो iPhone 12 में Apple Bionic और Huawei P40 में Silicon Kirin 995G मिलता है। बात करें RAM की तो iPhone 12 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB की RAM मिलती है, जबकि Huawei P40 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो iPhone 12 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Huawei P40 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो iPhone 12 में नहीं है, जबकि Huawei P40 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो iPhone 12 में iOS V14 जबकि Huawei P40 में Android V10 क्यू देखने को मिलती है। बैटरी iPhone 12 में 2815 mAh जबकि Huawei P40 में 3800 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो iPhone 12 में 6 कलर्स जबकि Huawei P40 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो iPhone 12 में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 70,900 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 80,650 रुपीस, 4 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 92,900 रुपीस में मिलता है। और बात करें हवाई P40 की, तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 71,585 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो एप्पल आईफोन 12 में 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें हवाई P40 की तो उसमें 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में हवाई P40 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में हवाई P40 आगे है, परफॉर्मेंस में आईफोन 12 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 प्रो है जो कि 115,100 रुपए में मिलता है। दूसरा एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स है जो कि 124,700 रुपए में मिलता है। तीसरा OnePlus 8T है जो कि 38,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 मिनी है जो कि 58,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।